वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ स्टैंडर्ड 8 मैक्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से इंट्रो पार्ट के बाद एक्सरसाइज 6.1 लेकर। आइए देखते हैं इंट्रो पार्ट के बेस पर हम इसके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, राइट कोफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसमें कोफिशियंट क्या होगा और यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट टर्म्स कौन से होंगे इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो जो कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी उसमें अगर मैं कोफिशियंट की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ मैं, अगर कोफिशियंट की बात करूँ तो कोफिशियंट इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था द नंबर और द डिजिट विच इज इंक्लूडेड विद वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के साथ जो होता है वो होता है कोफिशियंट। तो ये देखिए वेरिएबल आपका ए बी स्क्वायर सी है और ये ए बी सी है, तो यानी कि कोफिशियंट आपका ए बी स्क्वायर सी के लिए क्या हो जाएगा 5 और यहां पे ए बी सी के लिए आपका कोफिशियंट क्या हो जाएगा -4। और कॉन्स्टेंट टर्म्स की बात करें तो ये देखिए कॉन्स्टेंट टर्म आपका ये देखिए 1 अकेला है, यहां पे आपका कोई वेरिएबल नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। यू हैव टू राइट द आंसर इन सच अ वे इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो फिर से देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कोफिशियंट। कोफिशियंट की अगर बात करें हम लोग तो कोफिशियंट आपका हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में डिजिट मिल जाए आपको उसी को आपको लिख देना है, यानी एबीसी के साथ जो भी नंबर आपको लिखा मिल जाए ना वही आपका कोफिशियंट है। तो यहां पे देखिए ये वेरिएबल ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो यानी यहां पे ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी वेरिएबल या किसी भी नॉन वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो गया, बी स्क्वायर का कोफिशियंट -5 हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म्स की बात करें, अगर कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो ये आपका देखिए 3 देखिए यहाँ पे अकेला है ना, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, 3 के साथ कोई एबीसी या कोई एक्स वाई जेड नहीं है, तो यानी कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखेंगे कोफिशियंट। तो कोफिशियंट आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई वेरिएबल वाले टर्म्स ये दिख रहे हैं आपको, तो कोफिशियंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ नंबर कौन दिख रहा है 6, तो यानी पहले तो 6 मिल जाएगा आपको, दूसरा यहां पे कौन दिख रहा है -5, सिर्फ 5 नहीं लेंगे आप, ये पूरा -5 विद साइन लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये -5। यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट टर्म यहां पे देखिए 7 इज अलोन, 7 अकेला है, इसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग 7 इज द कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू इज दैट क्लासिफाई द पॉलीनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में इसको क्लासिफाई करना है, इसको कौन सी कैटेगरी में आप रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इफ 1 टर्म इज देयर इट मींस मोनोमियल, 2 टर्म्स आर देयर देन बाइनोमियल, 3 टर्म्स आर देयर इट मींस ट्राइनोमियल। तो यहां पे हम लोग टर्म्स काउंट करेंगे, तो यहां पे देखिए 1 2 टर्म्स आर हियर, इट मींस वी कैन से इट इज व्हाट बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि यहां पे 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। यहां पे देखिए 1 2 3 टर्म्स आर हियर, इट मींस ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्राइनोमियल। यहां पे थर्ड पार्ट में 1 2 3 क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें टर्म्स काउंट करने हैं, बस वो 3xy लिखा है कि 5x लिखा है, 2y जो भी लिखा है, सिर्फ हमें टर्म्स काउंट कर लेने हैं 1 2 3 3 टर्म्स है। फिर से एक बार बोल देंगे इसको हम लोग, ट्राइनोमियल। यहां पे देखिए सिंगल टर्म है, एकला चलो रे, अकेला है ना ये, तो अकेला है तो अकेले के लिए क्या मैंने क्या बोला था, मोनोमियल, मोनोमियल। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2
अप टू फोर्थ पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. लाइक टर्म्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, लाइक टर्म्स बोल सकते हैं. कोफिशिएंट क्या है, कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहां पे देखिए, हम लोग अगर लाइक टर्म्स की बात करते हैं, सो लाइक टर्म्स कौन से होंगे. देखिए सबसे पहले ए को देखते हैं, क्या ए का लाइक टर्म्स कोई है. तो ये देखिए 6a, और दूसरा ये देखिए, ये भी a मिल गया, -2a. इसके अलावा कोई a वाला है जिसमें क्या देखना है, a हो, और a के साथ क्या एक्सपोनेंट देखना है, a की पावर 1. देखिए यहाँ भी a की पावर 1 है और यहाँ भी a की पावर 1 है. तो इसका मतलब ये हो गया आपका लाइक टर्म्स 6a और -2a. और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसी में अगला और कोई लाइक टर्म्स मिलता है. तो ये देखिए a के बाद हमें देखना है a स्क्वायर वाला कोई है क्या. तो ये देखिए a स्क्वायर का एक तो अकेला ये है, दूसरा कोई a स्क्वायर में है, कोई नहीं है. तो सिंगल टर्म है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे. अभी b स्क्वायर का देखते हैं. ये देखिए b स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं. कौन कौन से, 13b स्क्वायर एंड -b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर है, ठीक है ना. तो वेरिएबल्स भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है. तो ये आपका हो गया लाइक टर्म्स, दिस इज योर आंसर. इसके अलावा और कोई भी इसमें लाइक टर्म जैसा है नहीं. सेकेंड पार्ट में देखते हैं सेम चीज, फॉर द सेम थिंग लाइक टर्म्स. सो लाइक टर्म्स आज सबसे पहले x को देखते हैं. तो ये देखिए -5x, ये 7x. तो देखिए मिल गए हमें -5x और 7x. इसके अलावा x स्क्वायर के लिए देख लेते हैं. तो ये देखिए -2x स्क्वायर ये है और ये क्या है 4x स्क्वायर. तो ये मिल गया हमें 4x स्क्वायर और ये मिल गया हमें -2x स्क्वायर. इसके अलावा और भी कोई है क्या. हाँ, कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए भी है. देखिए ये नंबर्स अकेले, ये अकेला 6 है, ये अकेला -3 है. मीन्स बोथ आर व्हाट, कॉन्स्टेंट टर्म्स, बराबर. तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं किसमें, दैट लाइक टर्म्स में 6 एंड -3. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एड द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट. हमें इसको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल जस्ट ओनली विद लाइक टर्म्स ओनली. यानी कि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आइए देखते हैं. तो वैसे तो सारे के सारे लाइक टर्म्स ही दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाले ही. तो देखिए इनको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस -6x स्क्वायर. क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस -6x स्क्वायर. अब देखिए ये x, ये 1x स्क्वायर है 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये -6x स्क्वायर. तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर -6x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ठीक है, जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक टर्म्स है. आप नंबर, अगर ये नंबर होता तो क्या करते आप, 3 - 6 नंबर होता तो क्या करते, 3 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, इस पे साइन प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 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 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, साइन बड़े नंबर का लगता है, -3 आएगा. क्या आएगा, -3. तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, -3. और आपका वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर. तो ये -3x स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर फॉर द पार्ट नंबर 1. तो इसको आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, दैट एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस 2xy. ये चीज हमें ऐड करनी है, प्लस करनी है. आइए देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले हम. तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस 2xy. अब इसमें अगर आप देखो तो ये देखिए माइनस वाई जेड, ये प्लस वाई जेड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही, और ये 1xy है, ये 2xy है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3xy. सो दिस इज योर आंसर.
ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स थे ना, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये 1xy, ये 2xy, 3xy, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको सबट्रैक्ट करना है, एडिशन में तो प्लस हो जाता है, आसानी से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सबट्रैक्शन में आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हाइल यू आर सबट्रैक्टिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, 6x² फ्रॉम -2x², यानी आपको 6x² सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है -2x² से। होता क्या है, बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, डायरेक्टली 6x² माइनस ऐसा लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसने देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6x² फ्रॉम दिस मच, यानी आपको 6x² को, इसको माइनस करना है -2x² से। तो क्या करेंगे आप, -2x² आगे लिखेंगे और 6x² को पीछे लिखेंगे, यानी आपको माइनस करना है 2x² में से 6x² को। तो कभी ऐसा फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से होता है ना, तो यानी 6x² फ्रॉम किसमें से, -2x² से। तो ये हो गया -2x² और ये क्या हो गया, -6x², माइनस करना है, तो चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 to 8 हो जाएगा x², साइन बड़े नंबर का लगता है, -8x², दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये -2x² और ये कैसे हुआ, तो x² वो तो वेरिएबल है, -2 -6 आंसर आपका क्या आता, माइनस माइनस प्लस, 6 to 8, साइन बड़े नंबर का लगता है तो 6 is greater than 2, माइनस है तो -8, तो ये -8x² आंसर आ गया आपका। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इन द सेम वे दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4a + 5ab - 7 फ्रॉम दिस मच, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो खैर सिंगल मोनोमियल था, अभी यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। तो सबसे पहले पीछे वाले को आगे लिखते हैं, तो ये देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, बैक टर्म्स को फ्रंट में लिखेंगे, 3a - 2ab - 6। अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना हो तो कभी भी अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा आपका। तो माइनस में क्या माइनस करना है, दिस टर्म क्या लिखा है, 4a + 5ab - 7। अभी आप क्या करेंगे, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, 3a - 2ab - 6 -4a, ये देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4a, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा 5ab, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस 7 हो जाएगा। अभी क्या करना है हमें, जितने लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेना है और अनलाइक होगा तो उसको साइड में रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3a है, क्या है यहाँ पे 3a, तो ये देखिए 3a, a वाला टर्म कोई है इसमें, ये देखिए -4a है, तो यहाँ पे लिख लो -4a। a के बाद में अभी ab आता है आपका, ab वाला टर्म देखिए ये -2ab, ab वाला टर्म कोई है, हाँ ये है ना, -5ab, तो -5ab ऐसे आप लिख लो। अभी क्या बचा, -6 और +7, तो इसको भी साइड में लिख लो, ये भी आपके लाइक टर्म्स हो गए, -6 + 7। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन हमेशा यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन दैट इट कैन बी डन ओनली द वाट एवर टर्म्स आर गिवन इफ दे आर लाइक टर्म्स ओनली, लाइक टर्म्स है तो ही होगा। अब जरा देखिए इन दोनों को, आप देखिए क्या लिखा है, 3a - 4a, तो 3 में से -4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1, तो यहां पे आप क्या लिख पाएंगे, 3a - 4 मींस आंसर विल बी -a, 1 आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी इन द सेम वे इन दोनों को देखिए, -2ab - 5ab, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7ab, साइन क्या आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो 5ab 2ab, यानी 2 से बड़ा कौन है 5 है, 5 is greater than 2, इट मींस दैट यहां पे 5 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आएगा -7ab। अभी आपका बचा ये देखिए -6 + 7, तो -6 + 7, माइनस प्लस माइनस, 7 से 6 जाएगा 1 आएगा, साइन किसका बड़े नंबर का, तो बड़ा कौन है 7, 7 का साइन क्या है प्लस, तो यानी कि +1, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना।
सो दिस वॉज द सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एड दिस मच एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम दिस मच. यानी सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है एड दिस एंड दिस. आपको सबसे पहला काम इन दोनों को एड करना है. तो आइए एड करते हैं. देखिए कैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस करना है 6xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7. तो सबसे पहला काम तो इसको हमें ऐड कर लेना है. तो ऐड करेंगे तो देखिए लाइक टर्म्स देखिए 2x स्क्वायर ये है तो ये देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला टर्म ये देखिए 4x स्क्वायर है. तो इनको पास में आप लिख लो एक साथ तो गलती नहीं होगी आपसे. मिस्टेक विल नॉट बी टेक प्लेस. अभी दूसरा क्या है इसमें x स्क्वायर के बाद में x स्क्वायर y स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या. अकेला टर्म है तो कोई बात नहीं इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर. तो ये हो गए भाई साहब. अच्छा जो टर्म आप यहाँ पे कॉपी करो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दो तो आपको वो आपका जो टर्म है वो रिपीट नहीं होगा और आपसे गलती होने का चांस कम रहेगा. दूसरा ये 2xy और ये 6xy इन दोनों को लिख लेते हैं 2xy प्लस 6xy ये हो गए सारे हो गए. इधर बचा इधर माइनस 7 प्लस कर लेते हैं 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर. अब ये देखिए माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर ये तो भाई साहब अकेले हैं इनको ऐसे कॉपी कर लो 2xy 6xy क्या हो जाएगा ये 8xy और ये माइनस 7. तो इन दोनों को प्लस किया ऐड करने पे आपका आंसर आ गया इतना. अभी क्या कर रहे हैं अभी क्या बोल रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम दिस वन. यानी जो भी आंसर आपका आता है ऐड करने पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. ठीक है ना. तो यहां पे लिखेंगे नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे यू हैव टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर से आप सुन लीजिए आपको इन दोनों को ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम दिस वन. जो भी रिजल्ट आता है रिजल्ट हमारा ये आया इसे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस पार्ट से. तो ये पार्ट हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये देखिए ये वाला कॉपी कर लिया. इसमें से हमें माइनस करना है ये जो रिजल्ट आया इसका ये सम आया टोटल. तो ये क्या आया है 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 7 माइनस करना है. अभी हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो ये माइनस xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये माइनस 6x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 8xy ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 7 पूरा ऐसा लिख दिया हमने. अभी हमें क्या करना है कि ऑल द लाइक टर्म्स वी हैव टू राइट टूगेदर एट अ प्लेस. तो आइए लाइक टर्म्स को एक साथ हम लोग इकट्ठा करते हैं. तो सबसे पहले अगर एक्स वाई है तो चलिए एक्स वाई को देख लेते हैं माइनस एक्स वाई. अब पूरे में देखेंगे क्या एक्स वाई वाला कोई और भी है यानी एक्स वाई का लाइक टर्म्स कोई है तो ऐसे देखिए सर्च करेंगे तो ये देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस 8xy तो ये हो जाएगा माइनस 8xy एक्स वाई वाला टर्म हो गया. चलिए अभी एक्स स्क्वायर के पास आते हैं तो ये देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर इसका लाइक टर्म्स हाँ ये मिल गया माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और कोई है नहीं है. चलिए अभी कौन मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला हाँ जी मिल गया. फिर से एक बार देखिए तो ये हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर सारे टर्म्स हो गए. फाइनली लास्ट में आपका बचा प्लस 7 इसको अकेले आप लिख दो. अभी क्या करना है जितने लाइक टर्म्स हैं इनको रिड्यूस कर दो आप माइनस एक्स वाई माइनस 8xy तो माइनस एक्स वाई मीन्स व्हाट माइनस 1xy. तो अगर आप ऐसे देखें माइनस 1 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 819 साइन बड़े नंबर का माइनस 9 होगा तो यानी यहां पे क्या लिख पाएंगे आप माइनस 9xy. दूसरा ये देखिए
x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस सिक्स, इधर आप देखते जाइए 1 माइनस सिक्स, तो 1 में से 6 माइनस करना, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 जाएगा 5, साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस लग जाएगा, तो यानी यहां पे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म, 7 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये तो दोनों प्लस में है, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12 x स्क्वायर y स्क्वायर, और फाइनली आपका बचता है ये प्लस 7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हाउ मच इज 5a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर लेस देन 2a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 2c स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट इससे कितना छोटा है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये पार्ट इससे कितना छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ऑलरेडी इन्होंने बोल के रखा है कि ये पार्ट क्या है, छोटा है, इट इज लेस देन, और ये बड़ा है, तो हमेशा हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ऑलवेज बी यूज टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, तो यहां पे चूंकि ये एक्सप्रेशन है तो यहां पे भी हम वही काम करेंगे, बिगर एक्सप्रेशन से स्मॉलर एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग दैट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 2c स्क्वायर, तो ये हमें पता चलेगा जब इसको माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये इससे इतना कम है, तो माइनस 5a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 2c स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर। अभी क्या करना है हमें, फिर से वही काम, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो ये देखिए 2a स्क्वायर और ये माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, फिर ये देखिए 7ab ये प्लस 2ab, तो प्लस 7ab और ये हो गया प्लस 2ab, अभी ये 2c स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर, तो ये 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो फाइनली अब देखिए 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस 3a स्क्वायर, और ये 7ab 2ab क्या मिलेगा 9ab, और ये 2c में से 1c माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहां पे ये आपका आंसर हो गया, हेंस एक्सप्रेशन इज लेस देन बाय लेस देन सेकेंड एक्सप्रेशन बाय दिस मच आंसर 3 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस c स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर इज दैट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस वन, यानी कि इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए कि हमें ये मिल जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 3a प्लस 7b माइनस 10, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा इसका मतलब वो आपका फाइनल आंसर होगा, कि अगर उसमें से वो माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से सबसे पहला काम इसको माइनस करेंगे, माइनस 2a माइनस 7b प्लस 9, इसमें से इसको माइनस करने पे जो आएगा दैट विल बी द आंसर, यानी कि अगर उसी आंसर को अगर माइनस किया जाएगा तो ये हमें मिलेगा, तो आइए देखते हैं कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 7b माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2a माइनस माइनस प्लस 7b माइनस प्लस माइनस 9, अभी लाइक टर्म्स एक साथ कर लेंगे 3a, a वाला कौन है 2a है तो 3a प्लस 2a, b वाला ये देखिए 7b प्लस 7b प्लस 7b प्लस 7b और ये माइनस 10 और ये माइनस 9, अभी क्या करना है इसको 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा ये 5a, ये देखिए 7b 7b क्या हो जाएगा 14b, माइनस 10 माइनस 9 दैट विल बी माइनस 19,
दिस इज योर आंसर, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाएगा 3a plus 7b minus 10 से 5a plus 14b minus 19 को माइनस कर दिया जाएगा तो आपको ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आप लिख पाएंगे hence 5a plus 14b minus 19 should be subtract from first expression to get second expression, यानी कि 5a plus 14b minus 19 को first expression से minus करोगे तो आपको second expression यानी minus 2a minus 7b plus 9 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 2, यानी m की वैल्यू अगर माइनस 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो जस्ट ओनली हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m, जहां पे m है वहां पे माइनस 2 पुट अप कर दो, 3m माइनस 7 है, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 7, आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी माइनस 6, और ये माइनस 7 है, ये माइनस 6 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 6 13, साइन बड़े नंबर का आएगा माइनस 13, दिस इज योर आंसर। इट्स वेरी सिंपल यू नो। नाउ सेकंड पार्ट, यहां पे भी वही वर्कआउट करना है हमें, 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस माइनस 2 पुट अप करेंगे माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 और ये माइनस 3, इसको प्लेस कराएंगे तो ये 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस तो यहां पे माइनस आ जाएगा, 5 2 जा 10 और ये माइनस 3, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 13, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट माइनस 5। This is your answer about question number 3, part number 1 and part number 2. Now, question number 14. 14 is that what should be the value of n if 3x square minus x minus n is equal to 6 where x is equal to 1. Yani ki agar ye ek polynomial ya expression jo bhi aap kehlo diya gaya hai 3x square minus x minus n is equal to 6. और इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर x की वैल्यू 1 हो, if x is equal to 1, then what will be the value of n? तो हमें क्या करना है, simply क्या करना है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे put up करा देनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, putting x is equal to 1, x is equal to 1 इस पे put up कराएंगे, ये हो जाएगा 3, 1 का whole square, minus 1, minus n is equal to 6, अब ये देखिए 3 into 1 का square 1 होता है, minus 1, minus n is equal to 6, 3 बन जा 3 minus 1 minus n is equal to 6, 3 minus 1, तो 3 में से 1 minus करेंगे कितना आएगा आपका, 3 में से 1 minus करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 minus n is equal to 6, अब ये क्या हो जाएगा देखिए, ये minus n is equal to 6 minus 2, तो ये हो जाएगा minus n is equal to 6 में से 2 minus करेंगे 4 आएगा, finally n की exact value ये देखिए minus से दोनों side multiply कर देंगे तो ये हो जाएगा minus 4, so n is equal to minus 4, you got, this is your answer. And one more thing that if you want to verify this answer, suppose ऐसे तो आपने answer sheet पीछे से देख ली, clear हो गया कि भाई चलो ये answer आ रहा है, for verification purpose what you have to do, ये देखिए equation, इसका verification में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, verification, how to verify our answer, तो ये देखिए 3x square minus x minus 1 is equal to 6, इसका LHS लेते हैं हम लोग, LHS, LHS है 3x square minus x minus n, ये this is LHS, this is RHS, तो left hand side लेते हैं, x की value आपको पता है 1 है ना, तो 3 into 1, 1 square minus 1, minus, n की value क्या निकाली आपने, minus 4 निकाली है, तो n की value minus 4 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 1 का square 1, minus 1, ये minus minus plus हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये देखे 3 बन जा, 3, minus 1 plus 4, 3 plus 4 क्या हो जाएगा, 7 minus 1 is equal to क्या मिल गया, 6, तो LHS आपको क्या मिल गया, 6, और RHS आपका ये देखे, RHS already 6 है,
RHS आपका ऑलरेडी क्या दिया गया है 6, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो इन सच अ वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर वेदर व्हाट एवर आंसर यू गॉट दैट इज राइट और नॉट, यानी जो आंसर आपने फाइंड आउट किया वो सही है या नहीं है. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.